मांडू पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चोर गिरोह के दो अपराधी को किया गिरफ्तार। 3 मोबाइल, वाईफाई, ब्लोकर डिवाइस और चोरी के इस्तेमाल कई टूल्स बरामद किए। गौरतलब है कि मांडू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामगढ़ जिले के लिए सरदर्द बना वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 3 मोबाइल, 1 वाईफाई ब्लोकर डिवाइस के अलावा चोरी करने के दौरान इस्तेमाल करने वाले कई टूल्स भी जब्त किए गए हैं। इस मौके पर मांडू इंस्पेक्टर संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के आदेश पर एक टीम गठित कर हजारीबाग और कोडरमा से वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य सरगना अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया, जिसे गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है सर? ये दिसंबर में जो है 709 अवैध कोयला का जो है 709 गाड़ी पकड़ा गया था, तो बाद में पता चला कि गाड़ी जो है ये देवघर से चोरी की गई है, तो उसी का एक अप्राथमिकी अभियुक्त जो है मनमोहन कुमार को पकड़ा गया। उसके स्वीकृति बयान से जो है पता चला कि इसमें जो है अजय चौधरी जो है मेन इसमें अभियुक्त। तो कल जो है एक टीम गठन करके जो है भेजा गया कोडरमा और रजौली घाट में जो है क्विट गाड़ी में जो है इसको ओवरटेक करके पकड़ा गया, लेकिन अजय कुमार चौधरी जो है वो अंधेरे का लाभ उठा के भाग गए और उसके अथी एक संतोष कुमार राय से सहयोगी गिरफ्तारी हुई है और उसमें जो है उसे गाड़ी में जो है जितना गाड़ी चोरी करने के जो सामान हुए जेवर वगैरह जो है वो सब बरामद हुई है। कितने लोगों को टोटल गिरफ्तारी हुई है सर अब तक? अभी 2 आदमी की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग सर रामगढ़ जिला में सिर्फ गाड़ी चोरी का काम करते थे कि और भी? नहीं, अभी 3 कन्फेशन के आधार में गोला और रामगढ़ दोनों से पता चला कि ये लोग वहाँ से भी गाड़ी चोरी की है। किसी और की गिरफ्तारी के लिए कुछ कार्रवाई हो रही है सर? नहीं, अभी अजय कुमार चौधरी के लिए जो है फिर छापामारी किया जा रहा है उसके। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।